मैं अविनाश कुमार LNV डिजिटल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मोबाइल या कंप्यूटर से, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। इसमें आप UIDAI टाइप कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ UIDAI.government.in लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ UIDAI का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोग आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ आ गए हैं। यहाँ देखिए गेट आधार दिया हुआ है, इसके नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ देखिए आधार नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आईडी आपको दिया हुआ है, फिर इसके बाद आपको वर्चुअल आईडी दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए आधार नंबर आप 12 डिजिट डाल के यहाँ कैप्चा डाल के आप निकाल सकते हैं। अगर आपका इंस्टॉलमेंट आईडी है, जब आप आधार कार्ड नया अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ एक स्लिप मिलता है जिसमें आपका 14 डिजिट का इंस्टॉलमेंट आईडी रहता है, और उसके बाद डेट और टाइम आपका यहाँ दिया रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ 14 डिजिट का इंस्टॉलमेंट आईडी डाल के और डेट टाइम डाल के यहाँ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका डेट टाइम यहाँ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्चुअल आईडी दिया है, वर्चुअल आईडी आपका 16 डिजिट नंबर का होता है, और वो जस्ट आपका आधार कार्ड के नीचे रहता है 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी, इसको भी आप डाल के निकाल सकते हैं आधार कार्ड। ऐसे अभी मेरे पास सिर्फ आधार नंबर है, तो चलिए आधार नंबर डाल के 12 डिजिट का आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, ठीक है। चलिए 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। चलिए मैंने 12 डिजिट का आधार कार्ड इंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आई वांट अ मार्क्स आधार, देखिए मार्क्स आधार का मतलब होता है छुपा हुआ आधार कार्ड आपका, इस 12 डिजिट में से 8 डिजिट आपका छुपा हुआ रहेगा जो क्रॉस मार्क्स टाइप का रहेगा, और सिर्फ 4 ही डिजिट शो करेगा। तो इस पर आप क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। या नीचे आप कैप्चा सीधे डालिएगा। चलिए कैप्चा इंटर कर लेते हैं, जो कैप्चा है Q N5 है, N5 HE, ठीक है। चलिए इंटर कर लिया है। अब यहाँ देखिए सेंड OTP लिखा है, सेंड OTP क्लिक कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं आपका OTP आया रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक है। जो आपका लिंक रहेगा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर, उस पर आपका OTP आएगा। चलिए OTP इंटर कर लेते हैं, 7911182, ठीक है। यहाँ देखिए जो OTP था 7911182 मैंने इंटर कर लिया है। ये OTP आपका 6 डिजिट का नंबर का रहेगा, ठीक है। और जब आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा तभी OTP आपका मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे लिखा है फर्स्ट लाइन में, डू यू नो डैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UDI वेबसाइट। यहाँ आप देखिए यस नो कुछ भी कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं यहाँ आधार रीप्रिंट करना UDI वेबसाइट से, तो आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ यस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन सेकेंड लाइन में देखिए इन हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रीप्रिंटेड आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट। यानी ये कह रहा है आप कितने दिन में मैसेज रिसीव करते हैं इंडिया पोस्ट के द्वारा आधार कार्ड रिप्रिंट के लिए। देखिए जब आप अप्लाई करते हैं आधार कार्ड, तो आपको इंस्टॉलमेंट आईडी जो मिलता है, जो आपका 14 डिजिट का रहता है, तो उसमें आपका डेट टाइम दिया हुआ रहता है। अगर आपका 5 दिन के अंदर आ गया तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, विद इन 5 वर्किंग डेज, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपका देखिए 6 to 10 डेज के अंदर बन गया, तो आप 6 to 10 डेज के अंदर क्लिक कर लीजिएगा। फिर या अगर आपका 11 से 15 दिन आ रहा है अब, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका मोर देन 50 डेज है, अगर आपका 1 महीना से ज़्यादा हो गया है या 15 दिन से ज़्यादा हो गया है आधार कार्ड, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा मोर देन 50 डेज, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड का 1 महीना से ज़्यादा हो गया है डेट, ठीक है, या 15 दिन से ज़्यादा आपका डेट हो गया है, तो आप मोर देन 15 डेज ही क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए वेरीफाइंग डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक जब आप कीजिएगा तो आपका पासपोर्ट प्रोटेक्टेड PDF फाइल रहेगा, ठीक है। पासवर्ड में आप देखिए यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। देखिए नाम में आप 4 लेटर डालिएगा स्टार्टिंग का, ठीक है, सब कैपिटल लेटर में डालिएगा, और लास्ट में अपना डेट ऑफ बर्थ में ईयर डालिएगा
जो 4 डिजिट का रहेगा, ठीक है, 4 4+8 डिजिट का नंबर वर्ड रहेगा, ठीक है, वर्ड नंबर। चलिए तो इस पर वेरीफाइड डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। देखिए भाई, वेरीफाइड डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल। इस पर आपको देखिए फाइल प्रोटेक्टेड लिख दिया, इस पर आपको पासवर्ड डालना है। चलिए कैप्चा लेटर में डाल लेते हैं, कैपिटल लेटर में पासवर्ड जो है। चलिए चलिए पासवर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, फिर से इंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इंटर कर लिया है, अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करते आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है, ठीक है। आपका यहाँ देखिए 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर बता रहा है और नीचे आपका वर्चुअल आईडी भी बता रहा है 16 डिजिट का, ठीक है। आप दोनों से आधार कार्ड निकाल सकते हैं, आपके पास रहेगा तो इसको आप डाउनलोड करके आप रख सकते हैं फाइल कहीं भी, या अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिएगा, फिर इसको लेमिनेशन भी करा लीजिएगा। आपका आधार कार्ड हमेशा आपका अच्छा से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आधार कार्ड अपना लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड जैसे भी हो आप डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी और ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।